प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ कायद यूनिवर्सिटी की एंथ्रोपोलॉजी की बीएस की जो फॉल 2020 की मेरे लिए आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज अगर आप रेगुलर पे हो तो आप 76,030 रुपीज़ आप जमा कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। सेल्फ फाइनेंस पे हो तो आप 1,16,000 जमा कर सकते हो। अगर आप हॉस्टल के लिए पे कर सकते हो तो आप इस पर 29,000 जमा कर सकते हो। और आप सेल्फ फाइनेंस पे हो तो आप 11,633 मतलब 1,16,000 जमा कर सकते हो। ये सेल्फ फाइनेंस के लिए है। तो आज मैं आपको लास्ट फाइनल डेट बताता हूँ जिससे पहले आपने अपनी एडमिशन फाइनल करनी है। ये है 17 अगस्त। 17 अगस्त से पहले पहले आप अपनी पोर्टल पे जाके एक चालान बनाओगे, आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी चालान, और उसको आपने अस्कर या HBL बैंक में हमने जमा करना होगा। तो आइए चलते हैं, उस स्टूडेंट देखते हैं जिसकी मेरिट लिस्ट में नाम आए हैं सिर्फ मेरा एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स की। इसमें अदीबा ताज है, मीरा हाजी है, बरीरा अरशद है, फैसलान शफा, उसामा जुल्फिकार, फरहा खान एंड इसी तरह शायान खान, ईशम फारूक, मोहम्मद वकास, खदीजा नसीर, शेर अली, मोहम्मद उस्मान, नबीहा असर, ईशा सज्जाद, हवा हुमे हुमायूं, फिजा हरम, तहरीन तारिक, मनाल आमना, जवेरिया अहमद, नौरोजी अशरफ, हमजा जहीर एंड इनशरा आबिद, जीशान हबीब, फलक, मोहम्मद रजा, वक्कार अली, गुलाम रसूल, इसी तरह जवेरिया, अहमद फराज, मोहम्मद अयूब, सैयद सुंदस, शिराज अहमद, मोहम्मद सलमान, अब्दुल हसीब, मोहम्मद जमशेद, एहसानुल्लाह, रौश शेहान ताहिर, मोहम्मद इरफान, मानूर दूरी आदन, वर्दा अब्दुल्ला, जानजेब एंड सैयद, कामिल खुमा राजा, सजीला शेर, अमारा हिना, मज़र रोल इस्लाम, मदूर सुमरू एंड अब्दुल समद। ये सारे जो है 54 स्टूडेंट्स हैं जिसकी सिलेक्शन हो गई है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। अगर ये लोग 17 अगस्त से पहले पहले अपनी चालान फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो उसकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। तो कोशिश रहे जिन जिन लोग इंटरेस्टेड हैं एंथ्रोपोलॉजी में और जिसके मैंने नाम लिए, वो 17 अगस्त से पहले पहले अपनी फॉर्म को जमा करें। अब इसका आसान तरीका, आपने जो पोर्टल बनाया था, जो लॉगिन और पासवर्ड आपको याद है, उस पर आपने जाना है स्टूडेंट की पोर्टल पे और उधर से आपने एक चालान को डाउनलोड करा। वही चालान आपने HBL या अस्करी बैंक में जमा करके जो फीस मैंने आपको बताई है, जो अप्रोक्सीमेट ये जो आपको नज़र आ रहा है, अगर आप रेगुलर हो, सेल्फ फाइनेंस, हॉस्टल, सब की अलग-अलग फीसें हैं, वो आपने जमा करनी है। और आपने उसकी स्कैन करके आपने उसकी कॉपी अपनी पोर्टल पे फिर अपलोड भी करनी है। तो ये इसका आसान सा तरीका था जो सर मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं इन सारे स्टूडेंट्स को, एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स से, वो खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। और जिसके नाम नहीं है, इंशाल्लाह वो अगले मेरे फेस में उसके नाम आ जाएंगे। मैं आपसे आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह फ्रेश न्यूज़ के लिए, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे चैनल को अप्लाई नाउ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, वसलाम, बाय बाय।